अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान, जिना का तस्वूर पाकिस्तान। और इस लेसन के आप लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास कौन सा है। पहला सवाल है हमारे पास, व्हेन एंड वेयर डिड मिस्टर एम ए जिना, एम ए से मुराद है मोहम्मद अली, कि मोहम्मद अली जिना डिलीवर हिज स्पीच, कि कब और कहां पर मोहम्मद अली जिना ने अपनी जो स्पीच है, ये तकरीर है, ये डिलीवर की थी। तो फ्रेंड्स, ये स्पीच उन्होंने कहां पर की थी? ये की थी उन्होंने कराची में। और कब की थी? ये की थी 11 अगस्त 1947 को। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है, मोहम्मद अली जिना डिलीवर्ड दिस अनफॉरगेटेबल एंड हिस्टोरिकल स्पीच, कि मोहम्मद अली जिना ने ये ना भूलने वाली और जो तारीखी तकरीर है, ये की थी ऑन 11 अगस्त 1947 को इन कराची में। ही वॉज एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, और वो जो है पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से ख़ताब कर रहे थे जब ये स्पीच उन्होंने की है। एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले जो है गवर्नर जनरल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट टू फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड मोहम्मद अली जिना रेफर इन द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, कि आखिर वो कौन से दो अहम फंक्शन थे या दो काम थे जो कि दस्तूर साज असेंबली में मोहम्मद अली जिना ने अपनी स्पीच के दौरान जो है बताए थे। तो फ्रेंड्स, टू मेन फंक्शन उन्होंने कहा था कि पहला काम तो ज़रा हैवी है और मुश्किल है, वो ये था कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए जो है वो आइन बनाना है, और सेकेंडली क्या था कि जो है सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी कायम करनी थी, यानी कि ख़ुद मुख्तार जो है कानून साज इदारा बनाना था। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है, इन द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपनी तकरीर के शुरू में ही मोहम्मद अली जिना रेफर्ड टू मेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। तो मोहम्मद अली जिना ने दस्तूर साज असम्बली के दो अहम काम बताए थे। द फर्स्ट वॉज द रिस्पॉन्सिबल एंड हैवी टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पहला काम जो था वो ज़रा थोड़ा मुश्किल और ज़िम्मेदारी वाला भी था, वो ये था कि मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान का जो है आइन साजी करने का। वाइल द सेकेंड वॉज, जबकि दूसरा काम जो था वो ये था कि वो फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कम्प्लीट सॉवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, दूसरा काम क्या था कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो है वफाकी पाकिस्तान के लिए जो है उसका ढांचा कायम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड ही से अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द असेंबली, के अपने असेंबली के जो दस्तूर साज असेंबली है उसके पहले फंक्शन, उसके पहले काम के बारे में उन्होंने क्या कहा था? तो पहले फंक्शन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये काम बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है और बहुत हैवी ड्यूटी वाला भी है, कि ये था कि पाकिस्तान के लिए आइन जो है वो बनाना था फ्यूचर का। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमें जो है, इस कहने का मतलब था कि हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है, पहले इसकी बेसिक्स बनानी है, फंडामेंटल्स इसकी जो है हमने शुरू करनी है। तो फिर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है, जिना सेड दैट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द रिस्पॉन्सिबल एंड द हैवी टास्क, कि पहला काम जो था दस्तूर साज असम्बली का वो बहुत ज़िम्मेदारी वाला और बहुत मुश्किल काम था, वो ये था ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो है आइन बनाना था। बाय दिस, ये कहते हुए, ही सीम्ड टू बिलीव दैट, वो इस चीज़ का यकीन रखते हुए हमें नज़र आते थे कि दैट पाकिस्तान नीडिड टू टेक अ स्टार्ट, कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक शुरू, ऐसे शुरू की फ्रॉम ज़ीरो, कि पाकिस्तान ने अभी बिल्कुल ज़ीरो से काम स्टार्ट करना है। बाय सेटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फर्स्ट, कि उसने जो है सबसे पहले बुनियादी जो उसूल है उसको तरतीब देना है। टू हिम, उनके लिए, दिस वॉज पॉसिबल, ये सिर्फ इस हद तक ही मुमकिन था, ओनली बाय हैविंग अ कम्प्रीहेंसिव सुप्रीम एंड लीगल डॉक्यूमेंट, के जब जो है मुकम्मल समझदार सुप्रीम नहायती आला एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स और कानूनी जो कागजात हैं फॉर द स्मूथ फ्यूचर फंक्शनिंग, के आगे की जो है
फ्यूचर फंक्शनिंग मुस्तकबिल के कामों के लिए हमवार होने चाहिए ऑफ न्यूली बॉर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान के, ये नई पैदा हुई हुई जो रियासत है इसके लिए कि हमने बहुत ईमानदारी से और मिलजुल कर काम करना है। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही से अबाउट द सेकंड फंक्शन, और जो दस्तूर साज असम्बली के दूसरे फंक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, दूसरा काम उन्होंने कहा था कि अपना जो है ख़ुद मुख्तार कानून साज इदारा बनाना है और इस तरह से काम करना है कि बैरूनी दबाव से पाक रहना है, और साथ उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है ब्राइबरी, करप्शन, नेपोटिज़म, ये सब कुछ भी हमने अपने मुल्क से ख़त्म करना है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है एज़ फॉर द सेकेंड फंक्शन, जहाँ तक दूसरा काम का ताल्लुक है दस्तूर साज असम्बली का, जिना सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली मस्ट फंक्शन एज अ फुल एंड कम्प्लीट सॉवरेन बॉडी एज फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली है उसका काम ये था कि मुकम्मल वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो है कानून साज इदारा बनाए पाकिस्तान के लिए। बाई दिस ही मीट, ऐसा कहने से उनका मतलब ये था टू से दैट दी असम्बली मस्ट बी सो स्ट्रॉन्ग, वो ये कहना चाह रहे थे कि असम्बली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम आल इन्फ्लुएंस, और तमाम जो इन्फ्लुएंस है, बैरूनी दबाव है, उससे आज़ाद हो, दैट इट माइट ईजीली टेक डिसीजन इन दी नेशनल इंटरेस्ट, ताकि वो जो है कौम के मफाद के लिए आसानी से फैसला कर सके, अबव ऑल अदर कॉन्सिड्रेशन, दूसरे तमाम मफादात को साइड पर रखते हुए। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में ही एडवाइज्ड द असेंबली, उन्होंने असेंबली को जो है वो ये नसीहत भी की थी दैट स्ट्रॉन्ग मेजर मस्ट बी टेकन, के मजबूत इकदाम जो हैं वो लिए जाएं टू गेट रिड, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द बिग कर्स ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन, के रिश्वत और बदउनवानी से छुटकारा पाने के लिए बड़े इकदाम किए जाएँ, एंड द ग्रेट इवल ऑफ नेपोटिज़म एंड जोबरी, और नेपोटिज़म कुर्बा परवरी और जोबरी बेईमानी की भी जो लानते हैं, इनसे भी छुटकारा पाने के लिए बड़े इकदाम करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच लेगेसी डज मोहम्मद अली जिना रेफर टू इन हिज स्पीच, के कौन सी लेगेसी थी यानी कि मीरास थी जिसका जिक्र मोहम्मद अली जिना ने किया था अपनी तकरीर में, वो क्या कहा था इन्होंने कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें आपको मीरास में मिली हैं इंडिया से। तो फ्रेंड्स, वो थी क्या चीज़ें थी, दो चीज़ें थी, नेपोटिज़म और जोबरी, के बदउनवानी और अपने रिश्तेदारों को नवाजना, जिसको हम कुर्बा परवरी भी कहते हैं। तो क्या कहा था उन्होंने अपनी स्पीच में कि मैं ये दो चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं हर तरह की पाक और साफ़ रियासत चाहता हूँ। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है मोहम्मद अली जिना रेफर टू लेगेसी ऑफ ग्रेट इवल्स, के मोहम्मद अली जिना ने दो जो मीरास में मिली हुई बड़ी बीमारियाँ हैं उनका जिक्र किया था, जैसे कि नेपोटिज़म एंड जोबरी, एक बुराई थी नेपोटिज़म और दूसरी जोबरी, विच हैव बीन पास्ड ऑन अस, जो कि हम पर मुसल्लत की जा चुकी थी। ही क्लैरिफाइज हिज पोजिशन डैट, उन्होंने अपनी पोजिशन जो है ना, अपना मकाम ये कहते हुए और वाजा करना चाहा कि ही वुड नेवर टॉलीरेट एनी काइंड ऑफ नेपोटिज़म एंड जोबरी, कि वो किसी भी किस्म की नेपोटिज़म यानी कि कुर्बा परवरी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही किसी भी किस्म की बेईमानी बर्दाश्त करेंगे, और एनी इन्फ्लुएंस और किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि उनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डाला जाए। ही ऑल्सो टेल्स क्लियरली दैट, उन्होंने वाजा तौर पर यह बात भी हमें बता दी कि ही वुड नॉट अलाउ अदर गवर्नमेंट ऑफिशल्स टू इंडल्ज इन दीज एट एनी लेवल, कि वो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के दूसरे इदारे भी जो हैं वो भी अगर किसी भी तरीके से मुझे इनमें मुलविस नज़र आए तो वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लो और हाई, चाहे वो निचले दर्जे के हों या ऊपर के दर्जे के कोई भी हों, वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ही एक्सप्रेस्ड कम्प्लीट डिसलाइक फॉर दिस एटीट्यूड, उन्होंने ज़ाहिर किया अपना मुकम्मल जो है नापसंदीदगी इस काम के लिए।
ही सेड दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि पहले और सबसे अहम जो फ़र्ज़ है गवर्नमेंट का वो यही है, इज़ टू टेक प्रिकॉशनरी मेयर्स, कि वो पहले से ही एहतियाती तदाबीर करे अगेंस्ट दीज इवल्स, इन तमाम बुराइयों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वट आर द कायद्स व्यूज़ अबाउट द डिवीज़न ऑफ इंडिया, के इंडिया की जो तकसीम है उसके बारे में कायदे आज़म के व्यूज़ जो हैं, नज़रियात वो क्या थे। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे लेसन में पढ़ा है कि कायदे आज़म ने कहा था कि ये तकसीम तो होकर ही रहनी थी, क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए ये डिवीज़न जो है, तकसीम जो है, होना बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मुत्तहिद होकर इकट्ठे कभी भी मुसलमान और हिंदुस्तान, मुस्लिम और हिंदू जो है नहीं रह सकते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि फ्यूचर का जो टाइम है वो इस बात को प्रूफ भी कर देगा। तो अब इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है जिनास व्यूज़ अबाउट द डिवीज़न ऑफ इंडिया, के मोहम्मद अली जिना के जो तासुरात हैं इंडिया की तकसीम के बारे में, वो आर क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हमें बिल्कुल वाजा और साफ नज़र आते हैं। ही सेड दैट देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट एग्री विद द डिवीज़न ऑफ इंडिया, कहते कि उन्होंने क्लियर कहा था कि मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया की इस तकसीम से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, बट नाउ, लेकिन अब इट शुड बी एक्सेप्टेड, कहते हैं कि इसे कबूल कर लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द डिवीज़न इज़ पर्टिकुलरली इस्टेब्लिश्ड, कहते क्योंकि ये जो तकसीम है अब ये कायम हो चुकी है। कायद टर्म्ड द डिवीज़न ऑफ इंडिया एज अ माइटी रेवोल्यूशन, कायदे आज़म ने इंडिया की तकसीम को एक बहुत बड़ी जो है इनकलाब से तशबीह दी थी, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, जो कि बिल्कुल ही बेमिसाल है, इसकी मिसाल हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती। ही सेड दैट द डिवीज़न वॉज द ओनली सोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट, आपने कहा कि ये जो तकसीम है यही वाहिद हल था बड़े सगीर के मसाइल का, किसके लिए, फॉर बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम, दोनों के लिए, हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए जो है ये डिवीज़न ही सोल्यूशन था। द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया कुड नेवर हैव वर्क्ड, के मुत्तहिद इंडिया मतलब इकट्ठे मिलकर रहना हिंदुस्तान के साथ, कहते ये आइडिया, ये जो ख्याल है, इसने बिल्कुल भी काम नहीं करना था, एंड वुड हैव लेड टू अ टेरिफिक डिसास्टर, और अगर ऐसा होता तो ये हमें एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ ले जाता। ही फर्दर सेज दैट, उन्होंने मज़ीद कहा कि द फ्यूचर हिस्ट्री वुड जस्टिफाई इट, के आने वाले दिनों की जो तारीख होगी वो इसे मज़ीद हमारे लिए क्लियर कर देगी, यानी कि इस बात को प्रूफ कर देगी कि डिवीज़न का जो फ़ैसला था ये सबसे बेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वट डज़ ही से अबाउट द माइनॉरिटीज़, के कायदे आज़म ने अक़लियतों के बारे में क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है कि कायदे आज़म अपनी स्पीच में माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ये भी पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है, पाकिस्तान की तरक्की में मिलजुल कर काम करेंगे मेजॉरिटीज़ के साथ, और इनको भी बराबर के राइट्स मिलेंगे, उतने प्रिविलेजेस मिलेंगे, और पाकिस्तान की स्टेट में रहते हुए इनको अपनी मज़हबी तौर पर भी मुकम्मल आज़ादी होगी कि कहीं भी अपनी मज़हबी इबादत है वो कर सकते हैं, मतलब कोई इन पर पाबंदी नहीं होगी। तो इसका आंसर फिर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है इन हिज स्पीच द कायदे आज़म डज़ नॉट निगलेक्ट द राइट्स ऑफ़ माइनॉरिटीज़, कि अपनी तकरीर में कायदे आज़म ने जो अक़लियतें हैं, अक़लियतों के हकूक़ को बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया या नज़रअंदाज नहीं किया। ही सेज़ दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द क्वेश्चन ऑफ द माइनॉरिटीज़ बीन इन वन और द अदर डोमिनियन इन दिस डिवीज़न ऑफ इंडिया, आपने कहा कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन बात है कि हम जो अक़लियत हैं उनका जो सवाल है, यानी कि उनके बारे में सोचना अपनी रियासत में रहते हुए या इंडिया की तकसीम के बाद हम उसको भूल जाएं, तो कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है, हम उनके बारे में सोचते हैं। ही फेवर्स देम बाय सेइंग दैट, उन्होंने उनके हक में ये कहते हुए बात की दैट द माइनॉरिटीज़ आर दी सिटीज़न ऑफ द स्टेट, कि ये जो अक़लियती हैं ये भी इस रियासत का हिस्सा हैं और इस रियासत के सिटीज़न होते हैं, शहरी हैं ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सियासत के, विद इक्वल राइट्स, जिनको पूरे बराबर हकूक़ मिलेंगे, प्रिविलेजेस, मुकम्मल इस्तेहकाक मिलेगा, एंड ऑब्लिगेशंस और
उनको पूरे फ़राइज़ अपने जो है मतलब हर चीज़ में, राइट्स में, प्रिविलेजेस में, ऑब्लिगेशन में, उनका बराबर के हकूक हर चीज़ में मिलेंगे। दे आर फ्री टू प्रोफेस देयर रिलीजन, वो अपने मजहबी जो इबादत वगैरह है उसको करने में फ्री हैं, एंड गो टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और अपनी जो उनकी इबादत की जगह है वहाँ जाने की भी उन्हें आज़ादी है इन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सूबे में। बोथ मेजोरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ शुड वर्क टुगेदर, के अब अक्सरियत ने और अकलियत ने दोनों ने कहते हैं मिलकर दोनों को काम करना चाहिए, एज़ फर्स्ट, सबसे पहले तो सेकेंड एंड लास्ट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले, दूसरे और आखिरी शहरी के तौर पर मेजोरिटी को और माइनॉरिटी को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। रिलीजन, कास्ट, कलर एंड क्रीड हैव नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ दिस स्टेट। आपने कहा कि मज़हब, ज़ात, रंग और अकीदा जो है वो हैव गॉट नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ द स्टेट, कि इस रियासत में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रखती। यानी कि आप चाहे आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, अब आप पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा हो, पाकिस्तान के शहरी हो, और आप लोगों को पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल कर अक्सरियत के साथ यानी कि मुस्लिम के साथ काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। What kind of freedom does Muhammad Ali Jinnah envision for the people of Pakistan in general? के किस किस्म की आज़ादी जो है मोहम्मद अली जिनाह ने इन्विजन होता है तखयल करना या तसव्वुर करना, कि उन्होंने तसव्वुर की थी आम जो पाकिस्तानी है उसके लिए, कि आम पाकिस्तानी को किस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है, कायदे आज़म चाहते थे कि हर शहरी का सबसे पहले तो जो लाइफ है उसकी ज़िंदगी और उसकी प्रॉपर्टी, इसकी हिफाजत हो, मतलब वो फ्रीली रह सके, आज़ादाना रह सके। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हर शहरी को बराबर के हकूक मिले। इसके अलावा वो चाहते थे कि हर जो शहरी है, चाहे वो अक्सरियत है या अकलियत है, उसको मजहबी आज़ादी हो, हर तरह की आज़ादी हासिल हो। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ मोहम्मद अली जिना, द फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन जनरल मीन्स दैट इन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़ आर फुली प्रोटेक्टेड, के पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना के तसव्वुर या उनके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको आम तौर पर ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत में रहते हुए उनकी जो लाइव्स हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, जो उनकी जायदाद है, आर फुली प्रोटेक्टेड, उसकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत की जाए। एवरीवन इज़ इक्वल एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते सब लोग बराबर हैं। इट इज़ द राइट ऑफ एवरीवन टू एंजॉय द फुली फ्रीडम ऑफ इक्वल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस एज अ सिटीज़न ऑफ द स्टेट। आपने कहा कि ये हर शहरी का हक है इस रियासत का हिस्सा होने की वजह से कि वो मुकम्मल यहाँ पर आज़ादी हासिल करे, उसको बराबर हकूक, इस्तेहकाक और उस जो फ़राइज़ हैं हर चीज़ में बराबर उसको हिस्सा मिले। कम्प्लीट रिलीजियस फ्रीडम, और यहाँ पर उसे जो है मुकम्मल मजहबी आज़ादी मिले। इन विच इंडिविजुअल्स आर फ्री टू गो टू देयर मॉस्क, टेम्पल्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ तक कि इनफरादी तौर पर भी उनको इतनी आज़ादी मिले कि वो अपनी मस्जिदों में जा सकें, अपने जो टेम्पल्स यानी कि अपने मंदिरों में जा सकें और किसी भी इबादत की जगह पर जा सकें। ही सेड दैट नाउ इट इज़ अ टाइम टू वर्क टुगेदर, उन्होंने कहा अब वो वक्त आ गया है कि हम मिलजुल कर या इकट्ठे काम करें, एज अ वन नेशन, एक कौम के तौर पर, फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड डिवेलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरक्की और यहाँ के खुशहाली के लिए मिलजुल कर एक कौम के तौर पर काम करने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज मोहम्मद अली जिना मीन बाय हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम वुड सीज टू बी मुस्लिम, एक्सप्लेन, कि उन्होंने कहा था मोहम्मद अली जिना के हिंदू जो है वो अपना हिंदू होना तर्क कर देंगे और मुसलमान जो है मुसलमान होना तर्क कर देंगे। ये बात उन्होंने अपनी स्पीच में की थी ना, तो इसको एक्सप्लेन करें, जाहिर करें कि ऐसा क्यों कहा था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि हिंदू जो है अपने आप को हिंदू ना समझे और मुसलमान, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को वो क्लियर करना चाह रहे थे कि अब जब सब पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा बन चुके हैं, कि उसमें
जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स की है और माइनॉरिटी हिंदू की है, तो उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क ना रहे, मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें अपना, वो ये नुक्ता नज़र वाजा करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है बाई हिंदूज़ वुड सीज टू बी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स। ये कहते हुए जिना एक्सप्रेसिज हिज विजन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, के कायदे आज़म ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो चाहते थे एक्सप्रेस हिज विजन, अपना जो तसव्वुर है उसको जाहिर करना चाहते थे, एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का सियासी नज़रिए की वजाहत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही। और अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी एंड अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इस बात कहने से उनका ये मतलब था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इम्तियाज़ होना, फ़र्क होना, कि कोई भी फ़र्क बाकी ना रहे अक्सरियती तबके में और अक्लियती तबके में। दे विल ऑल इंजॉय इक्वल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस इन द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि वो सब जो है ना बराबर के हकूक जो है उससे लुत्फ़ानंदोज़ हों, सबको बराबर का अपना जो है हक मिले, फ़र्ज़ उनको बराबर के मिले, इसके अलावा उनका जो इस्तेहकाक है मतलब हर चीज़ में इक्वल उनको राइट मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। इस बात के अलावा, इसका कोई इरिस्पेक्टिव के उन इस फ़र्क के अलावा, मजहबी फ़र्क, उनकी कास्ट के, उनकी ज़ात क्या है या उनका मज़हब अकीदा क्या है, इन सब चीज़ों के अलावा, सिर्फ़ उन्हें स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रियासत का शहरी होने के तमाम जो है राइट्स वो मिलने चाहिए। इस वजह से उन्होंने ये बात कही थी कि अपने कलर, क्रीड, रिलीजन और साइड पे करके सिर्फ वो पाकिस्तान की तरक्की और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान कर, कि यहाँ पर हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है।